एक बहुत ज़बरदस्त इशू है यहाँ, जो सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं कहीं पे गैर कानूनी तौर पर या कहीं पे लीज पे भी या लीज़ एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहे हो आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए या दूसरी खात्मे चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है। हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्ज़े भी हैं, तो बजुम से कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे या फिर दुकान जिन पे बने हैं दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया, मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे, बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया कहा, लेकिन कुछ ब्लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, से 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ और हो सकता है, तो उसमें भी हम ये कहेंगे कि ज़रा हिसाब से देखना है कैसे होगा। गवर्नर साहब ने कुछ तजावीज़ जो हम लोगों ने दी उस पर एक्ट भी हुआ है, कल आपने देखा एग्रेरियन रिफॉर्म्स में जो ज़मीनें थी उन पे मालिकाना हकूक की बात की जा रही है, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम उससे भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आज उनको कहना चाहता हूँ एक और LP6 में खात्मा चकदारी में जो ज़मीनें गई हैं, ज़मीनें कब्ज़े में तो लोगों की हैं, चकदारों से ले गए, लेकिन उसके भी आपने उनको कागजात आज तक नहीं दिए, उसको भी आप वहाँ दर्ज तो सरकारी ज़मीन है वो, लेकिन टेनेंट्स वो थे, तो इसलिए उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। एक इम्प्रेशन सा जो बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से यहाँ माहौल को ख़राब किया जाए, यहाँ जो हमारी बदकिस्मती से हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, दे आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। मैं ब्लैंकेटली नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन कुछ अफसरान लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा उन अफसरान से कि बाज आए इनसे, क्यों ये आम लोग हैं, आम लोगों को हिरासा करना आपका हक नहीं बनता है, अपनी नौकरियां या अपने आप को प्यारा करने के लिए लोगों को हिरासा ना करें, यह कतन बर्दाश्त नहीं होगा, और इसके लिए अगर हमें अफसरों का नाम लेना पड़ेगा हम उससे भी नहीं कतराएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि एक्शन हो जाएगी, क्यों इतना पॉलिटिकल सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, लेकिन पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होते हैं, और जब पॉलिटिशियन लोगों के लिए निकलते हैं फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जब आपको बता दूं, आज मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया था कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़े नहीं, जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के वासियों का हक है, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे जम्मू कश्मीर का हक है, और स्टेटहुड ऑफ कोर्स हम बेसिकली इसी पे आए। बड़े दिनों पर आप लोगों ने हमसे पूछा 370 370, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में, और वही अब अल्लाह के फजल से सब वो कहते हैं जो उस दिन चलाते थे, हम लाएंगे, हमें DDC इलेक्शन में वोट करो या हमें ये करो वो करो, वो सब भी जो नारे ही थे अपनी तरफ, क्यों उनकी उनको एक गलाजत लगी हुई थी, उनकी उन्होंने वो गलाजत धोने की कोशिश की, धुल भी गई थोड़ी सी, क्यों इंसानी याददाश्त बहुत महदूद होती है, तो लोग भूल चुके हैं, जो हम कांटे निकाल रहे हैं ये कांटे तो उनके दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ,
एक इंच जमीन जहां पर निकलेगी भी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, किसी को एक इंच नहीं दी जाएगी। हमारे बच्चे कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा उनके लिए, कहीं पे उनके लिए क्यों नहीं, वो इंडस्ट्री नहीं खोल सकते क्या? बाहर के यहाँ खोलेंगे, हमारे बच्चों में वो हुनर है, हम होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो हो गया ना इमोशन। देखिए यहाँ बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कि मैं भी नारा यहाँ लगाऊं, जनाब पूरे हिंदुस्तान से लोगों को लाया जा रहा है यहाँ बसाने के लिए, एक आदमी को नहीं यहाँ कोई लाएगा ना बसने की कोई इजाज़त। आप छोड़िए ना यहाँ की बात, कठुआ वाले से पूछिए, मैं आपको बताऊँगा कठुआ में इस वक्त अगर कोई पार्टी अच्छी लेवल पे चल रही है, अपनी पार्टी चल रही है जो एंट्री पॉइंट है यहाँ का, वहाँ के लोगों के भी जज्बात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर के लोगों को, कि एक इंच ज़मीन किसी को बाहर वाले को नहीं देंगे, कैसे हो सकता है? हम एक हैं इसमें, जम्मू और कश्मीर वाले एक हैं इसमें कि हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां, हमारी स्टेट, हमारे वसाइल, ये हमारे हैं, हम किसी को इस पे नहीं